हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहिल 360 में। और आज मैं आपको बताऊंगा बटेर पालन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बटेर पालन की पहली प्रोसेस में हमने जिस भी शेड का चुनाव बटेर पालन के लिए किया है, उस शेड के भीतरी दीवारों तथा फर्श को चूने से रंगा जाता है ताकि उसमें उपस्थित कोई बैक्टीरिया या वायरस हो तो वो ख़त्म हो जाए। आगे हम चूने के गाढ़े घोल से फर्श की रंगाई पूरी अच्छी तरीके से कर देंगे तथा अंदर की दीवार की भी रंगाई ठीक तरीके से करना है। इसके बाद हम अंदर शेड के अंदर कार्सोलिन CH का छिड़काव करेंगे, जिससे कि शेड के अंदर उपस्थित संपूर्ण बैक्टीरिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और यह हमारा शेड बटेर पालन के लिए तैयार हो जाए। शेड की जब पूरी तरीके से रंगाई हो जाए तो उसके बाद शेड कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यह शेड हमें 1 या 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है, जिससे कि चूना पूरी तरीके से सूख जाए तथा सेट तैयार हो जाए। अगली प्रोसेस में हमें चिक्स के लिए ब्रूडिंग सिस्टम तैयार करना है, जहां पे हम चिक्स को कम से कम 37 डिग्री तापमान देंगे। इसके लिए हमें कम से कम 15 से 20 फीट लंबी तथा 2 फीट चौड़ी प्लेन स्टील की चादर लेनी होगी, जिसका हम गोल घेरा बनाएंगे। इसके बाद हम घेरे के अंदर धान की भूसी की 4 इंच मोटी परत बिछाएंगे तथा इस भूसी के ऊपर रद्दी के पेपर की 2 लेयर भी बिछाएंगे। और फिर हमें हीट बनाए रखने हेतु 200 वाट के कम 4 सादे बल्ब लगाने हैं। तापमान कम होने पर बल्ब की संख्या बढ़ा भी सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिक्स को 24 घंटे गर्मी देने हेतु एक गैस ब्रूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या गैस ब्रूडर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाने पर बहुत अधिक लाभदायक होता है। ब्रूडिंग सिस्टम तैयार होने के बाद सेट के सभी वेंटिलेशन को पर्दे की सहायता से ठीक तरीके से ढक देना है और इस ब्रूडिंग सिस्टम को चिक्स आने के ठीक 24 घंटे पहले से शुरू कर देना है। अगली प्रोसेस में हम बटेर चिक्स की ब्रूडिंग करेंगे, लेकिन चिक्स की ब्रूडिंग करने के पहले हमें यह ध्यान रखना हो कि चिक्स हमें एक अच्छी और विश्वसनीय कंपनी से खरीदना हो तथा इस हैचरी की दूरी भी हमारे फार्म से बहुत अधिक ना हो। इस हैचरी से हमें चूजे लगभग 5 से 10 घंटे के भीतर प्राप्त हो जाए। चिक्स के आ जाने के बाद हमें उन्हें गुड़ का पानी पिलाना है तथा हल्की मात्रा में थोड़ा थोड़ा दाना उन्हें देते रहना है। ब्रूडिंग के अगले 6 दिन के दौरान हमें चिक्स का खास ध्यान रखना होगा। अगर चिक्स कभी भी इस तरीके से झुंड में दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत अलग अलग कर दें, वरना जितने भी छोटे चिक्स हैं उनके दब के मरने की ज़्यादा आशंका होती है और इस तरीके से मॉर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है और हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस ब्रूडिंग सिस्टम में हमें चिक्स को लगभग 10 दिनों तक रखना है। 10 दिन के बाद इस स्टील की चादर को हटाकर हमें पूरे कमरे में धान की भूसी बिछानी है तथा इस धान की भूसी के ऊपर अगले 35 दिनों तक इस बच्चे को रखा जाएगा, जब तक कि यह बच्चा बेचने लायक ना हो जाए। बटेर पालन के इस पूरे 35 दिन के दौरान हमें बटेर के बच्चे का वज़न कम से कम 180 ग्राम और अधिकतम 250 ग्राम तक ले जाना है, जिससे कि हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बटेर के इस जापानी किस्म में बीमारियों की आशंका ना के बराबर होती है, इसलिए पूरे कल्चर के दौरान दवाइयों की भी आवश्यकता ना के बराबर होती है। बटेर पालन के अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रति बटेर आने वाले खर्च की और उसके सेलिंग प्राइस की और होने वाले मुनाफे की। हम पूरे गणित को समझेंगे कि इस कल्चर के दौरान हमने कितना पैसा खर्च किया और कितना पैसा इसको बेच के कमाया। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई फार्मर बटेर फार्मिंग करना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैंने अपना नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।